हम लोगों ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस निकाले थे और हमारे अगर फ्रेम्स जैसे हम हमेशा लेते हैं एस और एस प्राइम, उसी फ्रेम के आधार पे हम इक्वेशंस लिखते हैं। तो कोई इवेंट अगर है, कोई कहीं इवेंट हो रहा है जिसको एस फ्रेम से लिखें तो एक्स वाई जेड इस स्थान पर हुआ और इस टाइम पर हुआ, और इसी इवेंट को अगर एस प्राइम से लिखें तो वो इस स्थान पर हुआ, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये हैं और समय जो है वो ये है, और इनके बीच हमने रिलेशंस लिखे एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी टी बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई प्राइम बराबर वाई, जेड प्राइम बराबर जेड, और टी प्राइम बराबर टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। कई बार v बाई सी को लोग बीटा लिखते हैं और 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इसको गामा लिखते हैं, तो इसका भी उपयोग करके इसको छोटे में थोड़ा लिखने की कोशिश की जा सकती है। हम लोग साधारणतः यही इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम मालूम हो और हमें एक्स वाई जेड टी पता करने हो तो हमको इसी को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे अगर इवेंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स एस प्राइम फ्रेम में पता है और उसका टाइम भी एस प्राइम फ्रेम में पता है, तो एस फ्रेम में उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे और क्या टाइम होगा वो जानने के लिए हमें इधर को एक्स वाई जेड टी चाहिए और इधर में प्राइम वाली सारी चीज़ें चाहिए। तो हम यहाँ से अलजेब्रा करके भी उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उससे कहीं आसान है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करना और स्पेस जो है वो आइसोट्रॉपिक है इसका इस्तेमाल करना। तो अगर हमने इसको ही कहा कि हम इसकी अपेक्षा देख रहे हैं ये फ्रेम इस तरफ को जा रहा है, हम एस प्राइम से अगर बात करें तो एस प्राइम फ्रेम अगर ये है तो एस फ्रेम इस तरफ को वी वेलोसिटी से ऐसा जा रहा है, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स अगर पता हैं और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो हम इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्स वाई जेड टी हमने लिखे थे इस फ्रेम से जिसको हम अभी रेस्ट में कह रहे हैं, तो अब ये रेस्ट में अगर कहेंगे तो वो उसकी जगह ले लेंगे, और जो जिसको अभी हम मोशन में कह रहे हैं उसको हमने रेस्ट में कहा है, जिसको अभी हम रेस्ट में कह रहे हैं उसको हम मोशन में कह देंगे। रूल वही है, All laws of nature are same in all inertial frames. तो मैं इससे बात करूं और कहूं कि ये चल रहा है तब जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, इससे बात कहूं कि ये चल रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वैसे ही होने चाहिए। फर्क क्या पड़ेगा? वेलोसिटी यहाँ एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ वेलोसिटी माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी, यानी वी की जगह हमें माइनस वी करना होगा। और जो ये प्राइम्ड फ्रेम यहाँ लिखे हुए हैं, प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, यहाँ पे अनप्राइम्ड आ जाएंगे और जहाँ अनप्राइम्ड है वहाँ प्राइम्ड आ जाएंगे। तो क्या समीकरण बनेंगे? बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, वो समीकरण बनेंगे x बराबर जिसको जो ये मूविंग फ्रेम है उसका मैंने यहाँ लिखा है। तो हमारे अब s प्राइम से अगर हमें पता है और हमें s में मालूम करना है तो ये s वाला फ्रेम मूव कर रहा है, तो जो मूविंग वाला फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे यहाँ लिखने हैं, इसलिए हम ये x लिख रहे हैं, और यहाँ हमें जिसको हमने रेस्ट में कहा था उसके लिखने हैं, तो जिसको हम रेस्ट में कहेंगे उसके लिखेंगे। तो x प्राइम लिखेंगे, v की जगह हम माइनस वी लिखेंगे, वी की जगह हम माइनस वी लिखेंगे क्योंकि ये फ्रेम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में v स्पीड से चल रहा है, तो अगर हम x दिशा में क्या वेलोसिटी है तो माइनस v, तो ऐसा कर देंगे t की जगह पे t प्राइम। y बराबर y प्राइम, z बराबर z प्राइम, और t बराबर t प्राइम यहां है उसकी जगह हम t करेंगे, और ये t है उसकी जगह हम t प्राइम करेंगे, माइनस को हम प्लस करेंगे क्योंकि v को हमें माइनस v लिखना है, तो इसलिए प्लस x की जगह पे x प्राइम v बाई सी स्क्वायर और बटा स्क्वायर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये हमारे एस प्राइम से एस में जाने वाले इक्वेशंस हो गए और ये एस से एस प्राइम में जाने वाले इक्वेशंस हो गए। तो ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और किसी एक इवेंट के लिए है, कोई एक इवेंट है जो एक स्थान पर होता है और एक समय पर होता है। वो स्थान समय हम एक फ्रेम से देखते हैं, फिर दूसरे फ्रेम से देखते हैं और उनमें ये रिश्ता होता है। तो अभी हम इनके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे यहाँ पे, जिससे कि इसका अभ्यास होगा थोड़ा और ये चीज़ें आसानी से आप बाद में उपयोग कर सकेंगे। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं जो हम बनाएंगे अभी। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं वो है कि अगर कोई इवेंट है और उसका हम x, y, z, t है और हम ये लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर t स्क्वायर, ये क्वांटिटी बनाते हैं। तो हमारे पास कोई इवेंट है x, y, z पर हुआ, t समय पर हुआ, तो जो x, y, z, t के वैल्यूज़ हैं उससे हमने ये क्वांटिटी बनाई और इनके जो कोऑर्डिनेट्स प्राइम्ड फ्रेम में है x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम, उनसे भी हमने ऐसी ही क्वांटिटी बनाई और हमने लिखा x प्राइम का स्क्वायर प्लस y प्राइम का स्क्वायर प्लस z प्राइम का स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर t प्राइम का स्क्वायर। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जब हम उपयोग करेंगे तो हम ये पाएंगे, प्रश्न यही है, हमें दिखाना है ये कि ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों के मान बराबर हैं, जितना इसका मान निकलेगा उतना ही उसका भी मान निकलेगा। इस ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप एक फ्रेम में इवैल्यूएट कीजिए तो भी उतना ही मान निकला और उसके साथ चलने वाले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाले दूसरे फ्रेम में इवैल्यूएट कीजिए उसका भी तब भी उतना ही मान निकले, ऐसी क्वांटिटीज़ को इनवेरिएंट कहते हैं। इनवेरिएंट यानी नहीं बदलने वाला, अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रश्न ये बनेगा कि ये जो क्वांटिटी है इसको हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ये इनवेरिएंट है ये दिखाना, ऐसा सवाल बनेगा। तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं, दिखाएं कि लॉरेंज रूपांतरण या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनवेरिएंट है, अपरिवर्तनशील है या अपरिवर्तनीय है, इनवेरिएंट। तो ये जो क्वांटिटी है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अगर करेंगे और प्राइम्ड में ले जाएंगे इन चीज़ों को तो उतना ही आएगा, ये अपने को दिखाना है। और भी कई सारी क्वांटिटीज़ हैं जो इनवेरिएंट होती हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में और वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है जब हम उपयोग करते हैं रिलेटिविटी का, तो ये इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसीलिए इस तरह के सवाल हम करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करें, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसके लिए हम यहाँ से उठा उठा करके चीज़ें रखें। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स माइनस वी टी बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इतने का स्क्वायर, एक्स प्राइम का स्क्वायर। और एक्स प्राइम क्या है, एक्स माइनस वी टी बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्राइम बराबर वाई है इसलिए ये वाई स्क्वायर हुआ जेड स्क्वायर हुआ, प्लस प्लस नहीं माइनस सी स्क्वायर भी है तो माइनस लिखें और सी स्क्वायर लिखें, माइनस सी स्क्वायर और टी प्राइम स्क्वायर। ये टी प्राइम स्क्वायर और टी प्राइम का अर्थ है ये इतना, तो इसका स्क्वायर अर्थात टी
minus xv by c square divided by square root 1 minus v square by c square और इस पूरे का स्क्वायर. तो हमने x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम को x y z t में बदल दिया है और अब हमें दिखाना यह है कि बदलने के बाद यह इतना हो जाएगा. तो जैसा यहां से हमने शुरू किया था वैसा ही हमें यहां भी मिलने वाला है, यह हमें दिखाना है. तो यह थोड़ी सी गणित करनी है, कर ले आप, इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है, ये तो बराबर है ही. तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसको हम पहले ही लिख लेते हैं और बच गया ये दोनों. इनमें जब स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो प्लस, नीचे में अगर देखते हैं तो वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ऐसा बनता है और ऊपर में इसको खोलिए एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर. तो यानी एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वी इंटू टी और प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये खुल गया. और माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर और उसके बाद उसको खोलिए तो टी का स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी और बटा सी स्क्वायर यहाँ और फिर प्लस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बटा सी फोर. ये हमने ये स्क्वायर खोल दिया तो ये इतना बना, अर्थात वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और यहां देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर और इसको खोलिए माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल टू एक्स वी टी और माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस और सी स्क्वायर से यहाँ सी फोर है तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बटा सी का स्क्वायर इतना बचा यहाँ पर. अब ये एक्स वी टी का टर्म तो यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में है, इसको तो आप सीधा ही काट सकते हैं. और एक्स स्क्वायर दो जगह पे है यहाँ और यहाँ, टी स्क्वायर दो जगह पर है यहाँ और यहाँ, तो उसको हम इकट्ठा करें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस नीचे वाला जो है इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और बटा सी स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं और ऊपर में एक्स स्क्वायर को कलेक्ट करें. एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा वन और यहाँ से आएगा माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. और टी स्क्वायर वालों को कलेक्ट करें तो माइनस टी स्क्वायर अगर ले ले माइनस टी स्क्वायर तो क्या बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ऐसा बचा. और इसको अब थोड़ा हल करें और देखें कि क्या होता है. ये वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहाँ पर है और बटा में भी ये वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ही है तो इससे जब इसको भाग लगाएंगे तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर. ये दोनों वही चीज़ है, यहाँ है वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ भी है वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, उसी को हमने ऐसा लिखा था. तो इसमें जब इससे भाग लगाएंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा. तो अर्थात ये है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका काम हो गया. अब यहाँ देखें ये माइनस है तो वो माइनस आप यहाँ लिखेंगे और अब ये जब इससे भाग लगाएंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कटेगा और ये सी स्क्वायर ऊपर आएगा और ये बन जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर. तो माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर अर्थात माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं वही चीज़ मिल गई हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरियंट है, नहीं बदलती है। यह हमने एक इवेंट के लिए किया था, आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास दो इवेंट हो, मान ले आपके पास दो इवेंट हैं और तब आप इस तरह की चीज कंस्ट्रक्ट करें। देखिए, तो मान ले आपके पास दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट एस से देखने पर एक्स वाई जेड स्थान पर हो रहा है, एक्स वन वाई वन जेड वन स्थान पर हो रहा है और टी वन समय पर हो रहा है, और इसी को अगर हम प्राइम फ्रेम से देखें तो ये एक्स वन प्राइम वाई वन प्राइम जेड वन प्राइम इस स्थान पे हो रहा है और इस समय पे हो रहा है। ये एक इवेंट हुआ। एक और इवेंट कहीं हो रहा है और उस इवेंट को अगर देखें और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखें एस फ्रेम से, तो फर्ज कीजिए कि वो हैं एक्स टू वाई टू जेड टू, और ये इवेंट कब हुआ, ये टी टू समय पर हुआ। एस से देखने पे वो उस इवेंट के ये लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये टाइम है, और एस प्राइम से अगर इस इवेंट को देखें तो फिर वो एक्स टू प्राइम वाई टू प्राइम जेड टू प्राइम इस स्थान पर हुआ और टी टू प्राइम इस समय पर हुआ। अब यहां से हम एक क्वांटिटी बना सकते हैं, एक्स टू है यहां और एक्स वन है यहां, तो इसका हम अंतर ले सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, फिर इसी तरह y2 टू माइनस वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर। ये क्वांटिटी बनाई हमने, जैसे हमने पहले यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बनाया था, अब हम यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले रहे हैं। तो पहला इवेंट का ये है, दूसरे इवेंट का ये है, ये डिफरेंस है, उसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसी तरह यहाँ टाइम का हमने किया। ये जो क्वांटिटी है ये भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत नहीं बदलती है, ये भी इसका भी अगर हम प्राइम्ड में देखें कि कितना वैल्यू है और बिना प्राइम में देखें कि कितना वैल्यू है, तो वो दोनों बराबर आएंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके हम ये सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वांटिटी है और इसको इंटरवल बोला जाता है। इंटरवल किसके किसके बीच का इंटरवल, तो ये जो दो इवेंट्स हैं उनके बीच का इंटरवल, इंटरवल बिटवीन द इवेंट्स। इसमें स्थान और समय दोनों का समावेश किया गया है दोनों को, और ये जो क्वांटिटी है ये इंटरवल कही जाती है और ये इनवेरिएंट है, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट है। थोड़ा आपका अलजेब्रा बढ़ेगा, आप ट्राई करें इसको और इसको दिखाएं कि हाँ ये इनवेरिएंट है। अब हम एक दूसरे सवाल पर चलते हैं। इस सवाल में हम ऐसा मान रहे हैं कि धरती से एक रॉकेट चलता है, धरती से एक रॉकेट चलता है और ये रॉकेट टी बराबर जीरो सेकेंड पे समझिए शुरू होता है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 0.6 इंटू सी, ये इतनी वेलोसिटी है। टी बराबर जीरो पर इसने अपना वेलोसिटी मेंटेन कर लिया है, जितना पहुंचना था उतना पहुंच गया, इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये चलता जा रहा है। तो ये सिचुएशन है, और इसके अंदर जो इस रॉकेट के अंदर या इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो मशीनें वगैरह हैं वो घड़ी है इसके अंदर में, और वो अपनी घड़ी के अनुसार एक घंटे बाद यहां से धरती की तरफ एक सिग्नल भेजते हैं।
तो यानी रॉकेट में जो भी यंत्र हैं जिनमें घड़ी भी है, उन घड़ी में जिस समय और एक घंटा हो जाता है, इस घड़ी में जब एक घंटा हो जाता है तब यहाँ से एक सिग्नल भेजा जाता है, लाइट का सिग्नल भेजा जाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिग्नल भेजा जाता है धरती की तरफ। अब यहाँ से आगे सवाल शुरू होते हैं। सबसे पहला सवाल है कि धरती की घड़ियों के अनुसार सिग्नल कब भेजा गया, धरती की घड़ियों के अनुसार ये सिग्नल कब भेजा गया, रॉकेट की घड़ियों के अनुसार ये सिग्नल एक घंटे बाद, इसको छोड़ने के एक घंटे बाद भेजा गया, तो धरती की घड़ियों के अनुसार ये कब भेजा गया। तो हम इस रॉकेट फ्रेम को एस प्राइम फ्रेम कहें, इसको हम एस प्राइम फ्रेम कहें, और जो धरती का फ्रेम है उसको हम एस फ्रेम कहें। जो धरती का फ्रेम है, अर्थ का फ्रेम है, उसको हम एस फ्रेम ऐसा कहें, और जिस समय ये टी इक्वल टू जीरो है उसी समय इस फ्रेम का टी प्राइम बराबर जीरो है। और ये जो इवेंट हो रहा है, लाइट सिग्नल भेजा, ये जो इवेंट हो रहा है, ये इवेंट कब हो रहा है, रॉकेट फ्रेम से काम करें हम, एस प्राइम फ्रेम से काम करें, एस प्राइम फ्रेम के अनुसार ये इवेंट हो रहा है टी प्राइम बराबर वन आवर पे, इस समय हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये इवेंट, कितने एक्स पर हो रहा है, इसका एक्स कितना है रॉकेट फ्रेम में, रॉकेट फ्रेम में इसका एक्स जीरो है, क्योंकि रॉकेट फ्रेम में है ना, तो रॉकेट फ्रेम में तो जहां है वहीं से सिग्नल भेजा, तो एक्स प्राइम बराबर जीरो है। ये इवेंट, किस इवेंट की बात कर रहे हैं हम, लाइट सिग्नल भेजा गया, तो रॉकेट के फ्रेम से अगर हम बात कर रहे हैं तो उस फ्रेम में जो एक्स वाई जेड एक्सिस है वहीं पर मान लो क्लॉक है, तो वहीं से भेजा गया, तो एक्स प्राइम उसका जीरो है। अब इसको हम अर्थ के फ्रेम में घुमा के लाते हैं, ये एक्स टी प्राइम हमें पता है, ये एक्स प्राइम हमें पता है, तो हम अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके एक्स और टी निकालते हैं, रिवर्स इस्तेमाल करेंगे हम, आपको ध्यान होगा रिवर्स हमने लिखा था अभी, एक्स बराबर एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और टी बराबर टी प्राइम और प्लस वी बाई सी स्क्वायर एक्स और बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। और अब इन एक्स प्राइम एक्स टी प्राइम का हम यह इस्तेमाल कर सकते हैं, कब भेजा, किस टाइम पर भेजा, अर्थ के फ्रेम में, टी बताओ, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे और हम पाएंगे टी प्राइम यानी एक घंटा प्लस वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर जीरो, एक्स प्राइम बराबर जीरो है, बटा स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहां से देखिए आप, वी बाई सी होगा 0.6, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा 0.36, तो 1 माइनस 0.36, और इसको जब आप 1 में से घटाएंगे तो बनेगा 0.64, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा 0.8, अर्थात ये होगा 1/0.8 आवर्स, यानी 10/8 यानी 5/4 यानी सवा घंटे। तो रॉकेट की घड़ियों के अनुसार जब फायरिंग हुई रॉकेट की, उसके बाद एक घंटे के बाद सिग्नल भेजा गया, लेकिन धरती की घड़ियों के अनुसार ये सिग्नल फायरिंग के 1.25 घंटे बाद भेजा गया।
तो ये पहला पार्ट इस सवाल का था। दूसरा पार्ट है इसका, हाँ, धरती की घड़ियों के अनुसार ये सिग्नल धरती पर कब पहुंचा, धरती की घड़ियों के अनुसार ये सिग्नल धरती पर कब पहुंचा। तो कैसे करेंगे हम, जिस समय ये सिग्नल भेजा गया उस समय ये रॉकेट कितनी दूर था, कहाँ था। तो हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, कि धरती की घड़ियों के अनुसार ये सिग्नल धरती पर कब पहुंचा। पहला हमारा सवाल था कि धरती की घड़ियों के अनुसार सिग्नल कब भेजा गया। तो उसका जवाब हमने निकाला कि वो 1.25 घंटे बाद भेजा गया धरती की घड़ियों के अनुसार। और अब सवाल दूसरा पार्ट है, ए पार्ट ये हमने बना लिया था, दूसरा पार्ट है कि ये सिग्नल धरती पर कब पहुंचा। तो हम ये दूरी निकालें, जिस समय सिग्नल भेजा गया उस समय रॉकेट कितनी दूर था। तो चूंकि हमें समय पता है, 1.25 घंटे बाद सिग्नल भेजा गया, तो 1.25 घंटे में रॉकेट कितनी दूरी चलेगा। कितनी दूरी चलेगा, 0.6 C, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है, और गुना 1.25 घंटे आवर, इतनी दूरी चलेगा, एक्स बराबर वी टी, या डिस्टेंस बराबर वी टी, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये जो अपना सूत्र है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो इसको अगर आप गुना कर दें 0.6 से तो क्या बनेगा, ये बना 0.75 C और आवर, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, सी और आवर, सी का भी मान नहीं रखते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और घंटे का भी सेकेंड में बदलते नहीं है, हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, इतना दूर से वो सिग्नल चला। और कितनी वेलोसिटी से सिग्नल चलेगा, तो लाइट का सिग्नल है, सी वेलोसिटी से चलेगा, हर एक फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी एक ही होती है, तो सी वेलोसिटी से चलेगा। धरती पर कब पहुंचेगा, धरती पर पहुंचने में लगा समय, फिर से यही सूत्र है, समय बराबर दूरी बटा वेलोसिटी। तो दूरी कितनी है, दूरी बटा वेग, दूरी कितनी है, तो हमने अभी दूरी निकाली, दूरी कितनी है, 0.75 C × h, 0.75 ये c है और ये घंटा वाला h है, आवर, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और बटा वेग, वेग कितना है, क्योंकि सिग्नल का पूछ रहे हैं कि सिग्नल को कितना समय लगा, और सिग्नल लाइट का सिग्नल है इसलिए वेग c है, तो ये सी और ये सी कट जाएंगे, 0.75 आवर। धरती पे पहुंचने में इतना समय लगेगा, और भेजा कब गया था सिग्नल हम पहले ही निकाल चुके हैं, इतने घंटे बाद सिग्नल भेजा गया था, और सिग्नल को आने में कितना समय लगा है, तो सिग्नल को आने में इतना समय लगा है, तो कब पहुंचेगा धरती पे, टी बराबर जीरो पे रॉकेट चला था, उसके 1.25 घंटे बाद सिग्नल भेजा गया, और 0.75 घंटे और लग गया, तो धरती पर जो पहुंचने का समय होगा वो अब होगा टी बराबर 1.25 आवर,
और प्लस HR लिख दें आप आवर को प्लस 0.75 आवर यानी दो घंटे, T बराबर टू आवर्स। रॉकेट छोड़ा था T बराबर जीरो पे, उसके दो घंटे के बाद ये सिग्नल यहां पर रिसीव होगा। तो इस तरह से हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके एक फ्रेम से अगर मुझे चीजें पता हैं तो दूसरे फ्रेम में वो क्या होंगी ये हम लोग उससे निकालते हैं।